क्या 7000 सीरीज कल परसों रिव्यू किया था यार, उसके बेंचमार्क स्कोर क्या ही बताऊं मैं आपको। अगर आपका बजट 38000 के आसपास है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। i3 11 जनरेशन के साथ ऐसी परफॉर्मेंस और 7000 सीरीज के साथ कैसी परफॉर्मेंस, बिलीव नहीं होता है कभी कभी तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेवटेक स्मार्ट में। जैसा कि आपको बताया कि 13 जनरेशन के लैपटॉप्स आने वाले हैं और राइजन में भी 7000 सीरीज के लैपटॉप्स आ गए हैं, पर एचपी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भी 11 जनरेशन के साथ न्यू मॉडल लॉन्च कर रही है और वो भी स्टार्टिंग प्रोसेसर के साथ है। तो आज आप लोगों के लिए एचपी का एक और 15S लैपटॉप लेके आया हूं, जो है ये FQ2717TU। आज इसी को करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। बॉक्स को ओपन करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो दिसंबर 2022 और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 51,449 रुपीज। वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा ये कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को खोल लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट की बात करें तो वही एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड मिल जाती है और फ्रेंड्स वही 65 वोल्ट का एसी पावर एडाप्टर दिया हुआ है और फ्रेंड्स ये है इको फ्रेंडली यूजर मैनुअल और ये है फाइनली अपना लैपटॉप। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लैपटॉप की सुंदरता की बात कर लेते हैं। तो ये लैपटॉप नेचुरल सिल्वर कलर के साथ आता है और सेंटर में ही एचपी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी औसम दी हुई है। टोटल प्लास्टिक बिल्ड से ही बना हुआ है और जैसे ही मैं टॉप लिड पे प्रेस कर रहा हूं तो हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है और जैसे मैं कीबोर्ड पे भी प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी औसम मिल जाती है। इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो राइट साइड पोर्ट्स की बात करूं तो HDMI 1.4 पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर सकते हो। LED इंडिकेटर्स दी हुई है, 3.5mm ऑडियो जैक और SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है और वहीं लेफ्ट साइड में पावर जैक, 2 USB 3.2 के पोर्ट मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर लैपटॉप के बैक पैनल की बात करें तो वही 2 रबर ग्रिप दी हुई है और काफी सारा एयर वेंट देखने को मिल जाता है और साथ ही थर्ड पार्टी लोगो देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन करते हैं। वैसे मुझे पता है सिंगल हैंड से ओपन नहीं होगी और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की हिंज की क्वालिटी काफी ऑसम दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो 80% लैपटॉप बंद हो चुका है और हिंज की क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिल रही है और स्क्रीन वबल भी यार बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है और मैक्सिमम टॉप लिड को आप यहां तक ले जा सकते हो। और फ्रेंड्स आगे की तरफ भी एचपी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और फ्रेंड्स आगे की तरफ भी एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है और इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज नेचुरल सिल्वर नॉन बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। अब यार 40,000 के बजट में बैकलिट कीबोर्ड की उम्मीद नहीं कर सकते, कीबोर्ड की क्वालिटी काफी ऑसम मिल जाती है। और जो इस लैपटॉप का ट्रैक पैड दिया हुआ है वो एचपी इमेज पैड दिया हुआ है जो मल्टी टच जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स वैसे ठीक ठाक है, लार्ज साइज स्मॉल साइज ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मीडियम साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलेगा और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटेल प्रोसेसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या दिए हुए हैं। तो सीपीयू की बात करें तो इंटेल कोर i3 111 5G4 प्रोसेसर दिया हुआ है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 3.0 GHz और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.1 GHz तक यूज कर सकते हो। 2 Core 4 Thread और 6 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। नेक्स्ट मेमोरी 8GB की DDR4 3200 MHz की सिंगल चैनल की रैम देखने को मिल जाती है और आप मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक। स्टोरेज ऑप्शन 512GB की PCIe NVMe SSD मिल जाती है और फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512GB को रिमूव करके 1TB या 2TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 मिल जाता है। और लास्ट में कर लेते हैं इसके GPU की बात, तो इंटेल USD ग्राफिक्स दिया हुआ है 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो फ्रेंड्स ये इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी, HD वेबकैम दिया हुआ है और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है और ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। वैसे एवरेज क्वालिटी है लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप आ रहा है बेस्ट है।
तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के सीपीयू की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले सिनेबेंच 23 ने स्कोर दिया है सिंगल कोर में 1322 और मल्टी कोर 2888। वहीं गीकबेंच 5 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1201 और मल्टी कोर स्कोर है 2398। और वहीं अगर मैं जीपीयू बेंचमार्क की बात करूं तो 7826 स्कोर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव नहीं हो रहा है, अभी 7000 सीरीज के राइजन प्रोसेसर के मैंने बेंचमार्क स्कोर आपको बताए और ये तकरीबन 2 साल पुराना प्रोसेसर है और इसके स्कोर देख सकते हो। तभी तो यार मैं कहता हूं कि 12 जनरेशन से भी बेस्ट 11 जनरेशन की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 15.6 इंच की 1080p SVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स है और कलर गैमट 45% NTSC मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप क्वालिटी देख सकते हो, ठीक ठाक क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। टू साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और HP का भी यार कुछ कह ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, बैक टू बैक प्रीवियस जनरेशन के साथ लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका भाई तो वही है, लैपटॉप लेके आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो देखते हैं i3-111 5G 4 प्रोसेसर कितना टाइम लगाता है वीडियो रेंडर करने में। तो जैसा कि आपने देखा, वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है 1 मिनट 50 सेकंड है। तभी तो कहता हूं 11 जनरेशन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी औसम मिलती है। और फ्रेंड्स, ये लैपटॉप बूट होने में ओनली 8 सेकंड का टाइम ही लगाया है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस अभी मैंने आपको टेस्ट कराई और गेमिंग जब तक ना हो तब तक तो कंप्लीट टेस्ट बनता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं GTA 5 HD रेजोल्यूशन के साथ, तो देखते हैं कैसी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, you know your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah. Ah, my back! This much metal ain't normal, is it? Quite irregular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. Don't worry, Case. Remove this metal admission row, and you're all done. Control, pickup was good. How's it looking up there? Not good, man. Meriwether know we took the UD. They out there looking for you. Fuck. You got a solution for this problem? We tapped into the traffic light system. I'll try to keep them away from you. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और GPU टेम्परेचर और CPU टेम्परेचर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो भी ज्यादा हीट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं NFS और इस गेम को मैं प्ले करने जा रहा हूं फुल HD रेजोल्यूशन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। फ्रेंड्स, 40,000 के बजट में आप इस लैपटॉप में नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप मिल जाता है 3 से 4 घंटे का, 3 cell 41 watt hour की बैटरी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की कर लेते हैं प्राइसिंग की बात है, तो अभी ये ऑनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 40,000 का और अगर आप इसे किसी ऑफर सेल में परचेज करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्राइस ब्रैकेट में ये लैपटॉप बेस्ट रहने वाला है।
तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप में डे टू डे टास्क रन कर सकते हो, ओपीसी यूज के लिए भी आप इसे यूज कर पाओगे और नॉर्मल सारे टास्क आप आसानी से रन कर सकते हो। इस लैपटॉप में आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 11 साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 मिल जाता है, तो स्टूडेंट के लिए भी ये काफी सफिशियंट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का बजट 40,000 के आसपास है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और फ्रेंड्स बहुत जल्दी 7000 सीरीज के काफी सारे लैपटॉप्स आने वाले हैं, तो उनके बैक टू बैक वीडियो आपको देखने को मिली जाएंगे। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।